सो है एवरीवन, दिस सरवास खान एंड दिस वीडियो इज वेरी ऑसम। यस गाइस, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट लेकर आया हूं, या फिर कह सकते हैं एक रिव्यू लेकर आया हूं, 3D रिव्यू ऑफ एक्वामैन 2, या फिर कह सकते हैं आप लोग एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम। यस गाइस, ये मूवी जो है मैंने कल देख ली थी, जैसे कि आप लोगों को रिव्यू में बताया था, जो कि नॉर्मली रिव्यू था। आप लोगों को मतलब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका थंबनेल ये रहा। तो वो रिव्यू जो था वो इससे रिलेटेड था कि मूवी की स्टोरी लाइन क्या थी, स्टार कास्ट क्या थी, डायरेक्शन क्या था और मैंने रेटिंग कितनी दी थी, ये सब कुछ मतलब एक प्रॉपर रिव्यू था। तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। अब मैं बात करता हूं कि इस वीडियो में क्या करने जा रहा हूं। तो गाइस, यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ 3D इफेक्ट रिव्यू ही करूंगा, यानी कि गाइस मूवी के स्पेशल इफेक्ट, 3D और IMAX को लेकर बात की जाएगी, यानी कि ये मूवी क्या 3D और IMAX में देखने काबिल है या फिर सिर्फ 2D में ही देखनी चाहिए। और कई जगह जो है सिर्फ और सिर्फ 2D ही अवेलेबल होती है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, मैं आप लोगों को मतलब सारी अपडेट इसमें दे दूंगा। सो गाइज, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रिव्यू, 3D रिव्यू ऑफ एक्वामैन 2। बट इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज, यहाँ पर बात होती है कि एक्वामैन जो मूवी है, यानी कि इसका सेकेंड पार्ट, वो कैसी है। तो मैंने जैसे लास्ट रिव्यू में बताया था, काफी ज्यादा अच्छी मूवी है, स्टोरी लाइन सिंपल है और अच्छी भी है स्टोरी। मतलब एक तरह से स्क्रीन प्ले जो है इसका काफी ज्यादा एंगेजिंग है, आप लोग बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे कि मतलब मजा आ रहा है, ऐसा फील करेंगे, और काफी ज्यादा मतलब फनी सीन्स भी हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ 3D की। तो गाइज, अगर बात की जाए एक्वामैन 2 मूवी के 3D इफेक्ट की, तो यहाँ पर जो है 3D इफेक्ट, स्पेशल इफेक्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, या फिर कह सकते हैं नो वे होम जो मूवी थी, उसके स्पेशल इफेक्ट जो थे वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। यहाँ पर मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने काफी हद तक स्पाइडरमैन नो वे होम सभी लोगों ने 3D में देखी थी, तो उन लोगों को अंदाजा हो सके मैं किस तरह से मतलब बात करने जा रहा हूँ एक्वामैन 2 के बारे में। तो एक्वामैन 2 में भी उसी तरह के स्पेशल इफेक्ट हैं, बहुत ज्यादा मतलब हाई लेवल का 3D इफेक्ट नहीं है। जैसे कि कोई भी सिक्वेंस होता है, जैसे सपोज ट्राइडेंट अगर कोई मारता है फेंक कर, या एक त्रिशूल फेंक कर मारता है, तो मतलब ऐसा फील होता है कि आपके ऊपर ही आ रहा है। तो इस तरह के सिक्वेंसेज हैं, पानी में मतलब जो सीन्स हैं उसमें भी कई जगह जो बबल्स और इस तरह से जो मतलब फाइट सिक्वेंसेज हैं, तो फील तो होता है कि आपके ऊपर ही मतलब आंखों के जरिए इफेक्ट नजर आ रहा है या फिर आप लोगों को दिख रहा है। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। अगर बात की जाए मतलब जो लैंड पर फाइट होती है, तो वहां पर भी जो स्पेशल इफेक्ट है मॉडरेट रहता है, बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा हाई लेवल का 3D इफेक्ट नहीं रहता वहां पर, वहां नॉर्मल मॉडरेट मूड पर रहता है। आप लोगों को फील होगा कि नॉर्मल 3D चल रही है। जैसे कि अगर बात की जाए रोबोट 2.0 मूवी की, यस गाइस मैं बॉलीवुड मूवी की बात कर रहा हूँ, जो रोबोट 2.0 मूवी थी वो इतनी ज्यादा मतलब औसम थी, एक तरह से कह सकते हैं। स्टोरी की बात नहीं कर रहा मैं, 3D की बात कर रहा हूँ। उसमें 3D इफेक्ट इतना ज्यादा हाई लेवल का दे दिया था कि जो भी सीन हो रहा है मतलब ऐसा फील हो रहा है आपके ऊपर आकर गिर रहा है। बट हॉलीवुड मूवी में 3D इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा मॉडरेट करने लगे हैं, ऐसा फील होगा कि आप लोग नॉर्मली बैठे हैं, कोई 3D मूवी ही नहीं देख रहे हैं। कुछ फाइट सिक्वेंसेज में पता लग जाएगा कि आप लोग 3D मूवी देख रहे हैं, बट एक्वामैन के साथ ऐसा फिलहाल तो नहीं लग रहा। काफी जो फाइट सिक्वेंसेज हैं उसमें 3D अच्छे इफेक्ट हैं। और अगर बात की जाए VFX की, तो VFX जो है मतलब कह सकता हूं मैं अपने पूरे होश आवाज में ही कह सकता हूं, क्योंकि जो लास्ट मूवी थी द फ्लैश, भाई उसका VFX जो था इतना खराब था, एंड की फाइट सिक्वेंसेस तो मतलब इतने ज्यादा लो लेवल के लगे थे मैं बता नहीं सकता। और उस मूवी का बजट भी $200 मिलियन ही था, बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट था। और यहाँ पर भी 200 मिलियन का ही बजट है, बट यहाँ पर जेम्स मैन ने पूरी जान लगा दी है, VFX मतलब पूरी टीम से जो वर्क कराया है बहुत औसम है, और जो फाइट सिक्वेंसेज हैं बहुत ज्यादा औसम हैं, स्टंट्स जो हैं बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर जो है अगर बात की जाए फाइट सिक्वेंसेज में, मतलब एक जो सुपर हीरो मूवी होती है उसमें विलन का क्या रोल होता है, एक तरह से मतलब चाइल्डिश सही मतलब कुछ लगता है कि आता है धमकी देता है और फाइट हो जाती है। तो इस तरह से जो जेम्स वैन ने मतलब डायरेक्ट किया है, तो यहाँ पर मतलब ऐसा फील तो नहीं होता कि बड़ा बचकाना सा है, लगता है यार कि कुछ मर्दों वाली बात है इसमें, मतलब फाइट हो रही है तगड़ी। तो ओवरऑल जो स्पेशल इफेक्ट हैं काफी ज्यादा अच्छे हैं। आप लोग ये मूवी देख सकते हैं 3D में, और जो लोग 2D में मूवी मतलब जिनके यहाँ पर मतलब ऑब्वियसली थिएटर नहीं है, वो थोड़ा कोशिश करें कि वो मूवी आप लोग मतलब 3D में ही देखें। अगर कोई डिफरेंट सिटी में थोड़े पास में जो थिएटर हो नियर बाय, तो वहां देख सकते हैं अगर 3D लगी भी है तो, क्योंकि काफी हद तक मैं बता देता हूं कि आप लोग ये 2D में ही देख लें। बट यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट ठीक ठाक हैं,
तो 3D में देख सकते हैं। बात होती है IMAX वालों के लिए, यानी कि जो लोग IMAX प्रीफर करते हैं तो उन लोगों को ये मूवी ऑब्वियसली IMAX में देख लेनी चाहिए, क्योंकि IMAX की स्क्रीन रेशियो काफी ज्यादा बड़ा होता है और ऐसे में जब ये मूवी IMAX पर दिखेगी, फाइट सिक्वेंसेस होंगे, स्पेशल इफेक्ट आप लोगों को देखेंगे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो ये मूवी आप लोग दोनों वेरिएंट में देख सकते हैं, 3D और 3D IMAX। यस गाइस, सो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।